हरी भूमि खबर का बड़ा असर हुआ है। जल जीवन मिशन को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त यहाँ पे लापरवाही बरतने वाले कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को जो है निलंबित किया है, 6 निलंबित हो गए हैं और 4 को नोटिस जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से इस समय की बड़ी खबर, INH हरी भूमि ने लगातार जल जीवन मिशन का जो काम है उसमें लापरवाही की ये खबर जो है वो लगातार उठाई थी। चैनल और अखबार के माध्यम से बताया था कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में किस तरह से अधिकारियों की लापरवाही के चलते मानसून आ गया है, उसके बाद नियाद भी पूरी हो गई, इसके बावजूद किस तरह से कहीं केवल 15% काम हुए हैं, कहीं पर केवल 40% काम हुए हैं। इस पर जो है अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ा एक्शन लिया है और बड़ी कार्रवाई, 6 को निलंबित किया गया और साथ ही 4 जो अधिकारी उन्हें नोटिस जारी किया गया है। तो आपको बता दें, एक बड़ी खबर INH हरी भूमि की खबर का ये असर हुआ है। लगातार हमने जनहित से जुड़े इस मुद्दे को दिखाया था अपने दर्शकों के सामने, इसकी रियलिटी चेक करी थी कि जिस जल जीवन मिशन को लेकर केंद्र सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना को लेकर लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, उसका छत्तीसगढ़ में क्या हाल है। आपको बता दें तो एक सीरीज हमने चलाई थी, हर नल कितना सफल, इस नाम से हमने एक सीरीज चलाई थी। INH और हरी भूमि में लगातार इस चीज को उठाया था हमने और ये बताया था कि जो केवल राजधानी ही नहीं, जो प्रदेश के अलग अलग जिले, चाहे वो धमतरी की बात कर ले, चाहे जशपुर की बात कर ले, चाहे हम जांजगीर की बात कर ले, चाहे बिलासपुर की बात कर ले, अलग अलग कितने परसेंट वहाँ पे काम हुए हैं, किस तरह जो संबंधित ठेकेदार है, संबंधित अधिकारी है, संबंधित विभागीय लोग हैं उसमें लापरवाही बरत रहे हैं और उनकी वजह से न केवल लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है बल्कि सड़कों की हालत ख़राब है। इसके अलावा जो मियाद है वो मियाद कब की पूरी हो चुकी है, उसके बावजूद इन अधिकारियों की अकर्मण्यता की वजह से कहीं ना कहीं इस पूरे जो महत्वाकांक्षी योजना है, केंद्र की परियोजना है, इसको कहीं ना कहीं बट्टा लगा रहे थे इसकी साख में। और इस बात को आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 6 जो ई है उन्हें निलंबित किया गया, इसके अलावा 4 को नोटिस जारी किया गया है।